बिहार में खुलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। एक कार्यक्रम में बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल ने कहा कि बिहार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, जिससे बिहार के प्रतिभावान छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं पूर्व राज्यपाल बिहार सरकार से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मुहैया करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि बिहार सरकार को इसके संबंध में चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सरकार से जल्द जमीन मुहैया कराने की डॉक्टर डीवाई पाटिल ने मांग की है। तो लैंड भी आज गवर्नमेंट दे देती है, शुरू हो जाएगा। इनके तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लैंड की जरूरत है। मैं बार बार मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लैंड दीजिए। खुद मुख्यमंत्री वो गए थे वहाँ, और जाने के बाद में उन्होंने खुद ही देखे, जब मेडिकल कॉलेज विभाग पाटिल मेडिकल कॉलेज उन्होंने देख करके चकित हो गए कि मैंने तो ऐसा मेडिकल कॉलेज कभी देखा ही नहीं। उन्होंने आज सर्च किया तो मैंने उस समय प्रस्ताव रखा कि आप जमीन दीजिए, और इन्होंने करते हैं, इन्होंने कहीं विभाग पाटिल साहब ने कहे कि ये आपने जमीन दीजिए, मैंने एशिया का नंबर वन मेडिकल कॉलेज में आपको बिहार को मैं दूंगा। मेन है कि आप लोग अपने तरफ से भी, आप लोगों ने, प्रेस वाले लोगों ने भी अपने तरफ से कहिए कि एक विभाग पाटिल, जब इनके 200 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सारे हैं और यहाँ देने के लिए ये इच्छुक हैं, तैयार हैं, तो फिर देने में उनकी क्या दिक्कत हो रही है? पत्र लिखा था सर आपने, पटना टाउन में पत्र लिखा था, उसका क्या जवाब आया हुआ? पत्र का कोई जवाब अभी नहीं आया है मेरे पास। पत्र का कब लिखे थे? ये है डेट, कब है ये डेट है आपका 16/15/10/2018 का ये पत्र उन्होंने। क्या कहेंगे अभी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से आप? मीडिया के माध्यम से तो मैं कहूँगा कि ये वो जमीन दे, जल्दी करें, वो जितना जल्दी करें कहीं जल्दी मेडिकल कॉलेज यहाँ मिल जाएगा, मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा।